अस्सलामुअलैकुम। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम जावा सीख रहे हैं और ये उसकी 24th वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर्स के हवाले से देखा था कि हम क्लासेस में कंस्ट्रक्टर्स कैसे बना सकते हैं। उससे पहले हम जो है वो गेटर्स और सेटर्स मेथड्स को भी देख चुके हैं। इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो हमारे पास है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन को हम डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। इस टेक्निक में बेसिकली ये होता है कि हमारे जो क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे लेंथ, विड्थ, एरिया, ये जो हमारी क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं किए जा सकते किसी और क्लास से, यानी कि हम इन्हें प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसका बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि जब भी इनको चेंज करना है ना, तो दूसरी क्लास से जब भी इनको चेंज करना है तो हमें इन हेल्पर मेथड्स का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लेंथ को चेंज करना है तो मैं सेट लेंथ वाला फंक्शन कॉल करूँगा। तो इससे हम फ़ायदा ये उठा सकते हैं कि जब हमने चेंज करना हो तो साथ ही हम कुछ और भी अपडेट कर दें। जैसे इस केस में हम जब लेंथ चेंज की थी तो हमने एरिया अपडेट कर दिया था। ये कंसेप्ट था इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग का। जो अगला कंसेप्ट है हमारे पास वो है स्टैटिक का। ये मैंने आपको कहा था कि स्टैटिक के बारे में डिटेल से आपको बाद में बताऊंगा कि इस स्टैटिक का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। और स्टैटिक को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ, न्यू जावा क्लास, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ बैंक अकाउंट। ये मैंने इसका नाम रख लिया है और मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर देता हूँ। अब ये जो स्टैटिक का एट्रीब्यूट है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स पे भी लग सकता है और मेथड्स पे भी लग सकता है। सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ स्टैटिक INT, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम मैं ए रख देता हूँ। ये मैंने स्टैटिक बनाया और उसके बाद मैं एक सिंपल INT बना लेता हूँ, जो बी बना लेता हूँ जो स्टैटिक नहीं है। तो ये मेरी बैंक अकाउंट क्लास है। अब मैं ऐसा करता हूँ, अपनी इस मेन क्लास में दोबारा वापस आ जाता हूँ और मैं इन दोनों को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। यानी कि ये ए है, ये बी है, इसको मैं यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। हमारी क्लास का नाम है बैंक अकाउंट। अगर मैं इससे डायरेक्ट एक्सेस करना चाहूँ ए को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ बैंक अकाउंट डॉट ए इज़ इक्वल टू 6, तो वो मैं कर सकता हूँ क्योंकि ए स्टैटिक है। जब भी हम किसी चीज़ को स्टैटिक बनाते हैं ना, तो वो उस क्लास की प्रॉपर्टी होती है, वो उस क्लास और उस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वो चीज़ सेम होती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को स्टैटिक नहीं बनाते तो वो उसके ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक होती है, मतलब कि उसके जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके लिए वो चीज़ डिफरेंट होगी। और दूसरी बात ये होती है कि उसको हम सिर्फ उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट डॉट ए इज़ इक्वल टू 6 कर दिया है, ए स्टैटिक था। अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा लूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी। तो ये यहाँ पे मुझे वैल्यू शो हो चुकी है। इसके बरक्स जो बी, जो कि स्टैटिक नहीं है, अगर मैं उसके साथ ये काम करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक अकाउंट डॉट बी इज़ इक्वल टू 8, तो यहाँ पे मेरे पास एरर शो हो जाएगा कि हमारे पास जो है वो बी जो है वो नॉन स्टैटिक है, इसलिए हम डायरेक्ट क्लास पे उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बी को एक्सेस करने के लिए हमें इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ अपनी क्लास का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक अकाउंट B1 इज इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट। तो ये मेरे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे उस B को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मैं लिखता हूँ B1 जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है डॉट B इज इक्वल टू 8।
तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस बी को जो कि स्टैटिक नहीं था उसको मैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तो मैं यहाँ पे इस बी को डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आउटपुट क्या आ रही है। तो आउटपुट यहाँ पे 8 आ गई है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट B1 बनाया था, इसके साथ मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ B2, ये मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ये B1.B को मैंने 8 रख दिया, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि जो B2 ऑब्जेक्ट का B है ना उसको मैं 9 रख देता हूँ। और मैं यहाँ पे B1 ऑब्जेक्ट के B को भी डिस्प्ले करवा के देख लेता हूँ और B2.B को भी डिस्प्ले करवा के देख लेता हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है तो ये मेरे पास आउटपुट आ गई है। B1 हमारा एक ऑब्जेक्ट था, उसका एक एट्रीब्यूट था B, उसमें हमने 8 स्टोर करवाया, वो उसमें 8 ही रहा और वो आउटपुट आ गई। इसी तरह हमने B2 के इस एट्रीब्यूट में 9 स्टोर करवाया, वो 9 ही रहा, ये आउटपुट आ गई। ये इसलिए था क्योंकि ये स्टैटिक नहीं था। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए हमारे पास स्टैटिक था, वो मैंने 6 सेट किया था। अब अगर मैं अपने किसी ऑब्जेक्ट पे ये ए एट्रीब्यूट एक्सेस करने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ B1.A, तो अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि इस ए की वैल्यू क्या आ रही है। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो ये ए की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है, जबकि 6 तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट क्लास के थ्रू एक्सेस करके सेट किया था। इस ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअली तो मैंने सेट ही नहीं किया, फिर भी वो 6 आ गई है। तो यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्टैटिक एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके बाद यहाँ से ऊपर मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है B2, मैं यहाँ पे B2.A इज़ इक्वल टू 90 कर देता हूँ। यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट B2 के लिए इस A की वैल्यू चेंज करवा दी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ और मैं B1 के लिए जो A है उसकी वैल्यू एक्सेस कर रहा हूँ, वो भी 90 आ गई है। इसका मतलब ये है जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, जो स्टैटिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, और अगर उनको कहीं से भी चेंज कर दो, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज हो जाएंगे। और जो स्टैटिक नहीं होते, वो हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने होते हैं। एक के चेंज करेंगे दूसरे पे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, दूसरे के चेंज करेंगे पहले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये फ़र्क था एट्रीब्यूट्स में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। स्टैटिक जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही होते हैं, आप किसी एक के चेंज करेंगे दूसरे के भी चेंज हो जाएंगे। जो स्टैटिक नहीं है वो हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने हैं, आप एक के चेंज करेंगे दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो स्टैटिक हैं उनको आप डायरेक्ट क्लास का नाम लिख के इस तरह एक्सेस कर सकते हैं, जबकि जो स्टैटिक नहीं है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस हो सकते हैं, वो डायरेक्ट क्लास का नाम लिख के एक्सेस नहीं हो सकते। तो ये हमने देखा स्टैटिक एट्रीब्यूट्स और नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट्स में क्या फ़र्क है और हम इनको यूज़ कैसे करते हैं। अब हम ज़रा स्टैटिक मेथड्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टैटिक मेथड बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक STF, ये मैंने एक स्टैटिक मेथड बना दिया है। वॉइड, मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक मेथड बना दिया है और यहाँ पे मैं एक नॉन स्टैटिक मेथड भी बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पब्लिक वॉइड, ये मैंने एक नॉन स्टैटिक मेथड भी बना दिया यहाँ पे। अब देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो मैं इधर दोबारा अपनी क्लास में आता हूँ और इसको मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। अब जो हमारे पास स्टैटिक मेथड होगा वो हम ऑब्जेक्ट्स पे भी कॉल करवा सकते हैं और क्लास से डायरेक्ट कॉल भी करवा सकते हैं, जबकि जो स्टैटिक नहीं है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे कॉल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक वाले में डिस्प्ले करवा देता हूँ स्टैटिक मेथड कॉल्ड, और इधर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ नॉन स्टैटिक मेथड कॉल्ड। तो मैं इधर वापस आ जाता हूँ और मेरी क्लास थी बैंक अकाउंट, इस पे मैं अपना जो स्टैटिक फंक्शन है उसको कॉल करवा लेता हूँ और मैं इसको रन करके देख लेता हूँ क्या वो कॉल हुआ है कि नहीं। तो वो कॉल हो चुका है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस पे अपना जो दूसरा फंक्शन है जो स्टैटिक नहीं है उसको कॉल करवाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है।
तो यहाँ पे मैंने जो दूसरा फंक्शन था ये वाला जो स्टैटिक नहीं है उसको मैंने कॉल करवाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे मुझे एरर शो हो गया। इसको कॉल करवाने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इसमें मैं अपना वो जो दूसरा फंक्शन था जो स्टैटिक नहीं है वो कॉल करवाता हूँ। ये मैंने कॉल करवा दिया है, इसको मैं ज़रा अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ और अब मैं रन करके देखता हूँ कि मेरा नॉन स्टैटिक फंक्शन था वो कॉल हुआ है कि नहीं। तो वो कॉल हो गया है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे ये स्टैटिक वाला मेथड कॉल करवा के देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ b1.stf, तो इसको मैं रन करवाता हूँ और ये यहाँ पे कॉल हो गया है। तो अभी के लिए जो हमें एक डिफरेंस पता चला है वो ये कि जो स्टैटिक मेथड्स हैं वो डायरेक्ट क्लास पे भी कॉल हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट पे भी कॉल हो सकते हैं, लेकिन जो मेथड स्टैटिक नहीं है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे कॉल हो सकता है, वो डायरेक्ट क्लास पे कॉल नहीं हो सकता। एक ये डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो मेथड हमारे पास स्टैटिक होता है ना वो सिर्फ स्टैटिक एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टैटिक मेथड है, मैं इस पे हमारा स्टैटिक एट्रीब्यूट था ए, तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज करवाने की कोशिश करता हूँ। ए इज़ इक्वल टू 90 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मुझे कोई एरर शो नहीं हो रहा। जबकि अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज करवाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मुझे एरर शो होगा कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल बी कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे एक फ़र्क ये है कि जो स्टैटिक मेथड्स हैं वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम यही चीज़ नॉन स्टैटिक मेथड्स के साथ देखें तो मैं यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल ए को चेंज करवाने की कोशिश करता हूँ, वो भी हो गया, और इसी तरह मैं नॉन स्टैटिक जो बी है हमारा उसको चेंज करवाने की कोशिश करता हूँ तो वो भी हो गया। तो हमारे पास जो मेथड स्टैटिक नहीं है वो स्टैटिक एट्रीब्यूट्स को भी चेंज करवा सकता है और नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट्स को भी चेंज करवा सकता है। तो ये हमने स्टैटिक देखा है कि स्टैटिक जब हम एट्रीब्यूट्स पे इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है, और जब मेथड्स पे इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है। स्टैटिक को बेहतर समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और अपनी ये जो क्लास बनाई थी इसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करूँगा। यहाँ पे मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ प्राइवेट, मैं चाहता हूँ कि ये और कहीं से एक्सेस ना हो सके। इंट मनी इन अकाउंट, ये मैंने एक एट्रीब्यूट बना लिया इस क्लास का। यहाँ पे मैं एक स्टैटिक एट्रीब्यूट भी बना लेता हूँ, तो प्राइवेट स्टैटिक इंट मनी इन बैंक, ये मैंने दो स्टैटिक, एक स्टैटिक बनाया है और एक सादा बनाया है। इनको मैं यहीं पे इनिशियलाइज भी करवा देता हूँ ज़ीरो पे। वैसे अगर हम क्लास के एट्रीब्यूट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इंटीजर होगा तो वो खुद ब खुद ज़ीरो हो गया होगा। आपको जैसे एरेज में होता था कि अगर हमने एक एम्प्टी एरे बनाया इंटीजर्स का और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर नहीं करवाई तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होती है, इस तरह यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही होती है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अपना पहला फंक्शन लिखता हूँ पब्लिक वॉइड एड मनी। इसका काम ये है कि ये हमारा जो ये अकाउंट है इसमें मनी ऐड कर दे। अब जाहिर सी बात है जो अकाउंट में पैसे ऐड होंगे वो टोटल जो बैंक में है उसमें भी इजाफा होगा। फॉर एग्जांपल एक बैंक में अगर 5 अकाउंट हैं सब में अभी 0 0 रुपीज़ हैं तो टोटल बैंक में भी 0 हो गए। अब एक में हमने 100 रुपया ऐड करवा दिया है तो वो उसमें 100 रुपया ऐड हो गया है, अब टोटल बैंक के पैसे भी 100 हो गए हैं। अब फॉर एग्जांपल एक और अकाउंट था उसमें हमने 200 मज़ीद ऐड करवा दिया है तो अब उस अकाउंट में 200 हो गए हैं और टोटल बैंक में जो है वो 300 हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब ऐड मनी होगा तो मैं इन दोनों में ये चीज़ ऐड करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनी इन अकाउंट प्लस इक्वल्स एम, और इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनी इन बैंक प्लस इक्वल्स एम।
तो मैंने दोनों में जो है वो ऐड करवा दिया है। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड विदड्रॉ मनी। ये भी लेगा कि कितने विदड्रॉ करवाने हैं, उसको मैंने एम में स्टोर करवा दिया है। इस दफ़ा मैं जो भी ये अकाउंट होगा उसमें से भी उसमें से माइनस करवा देता हूँ और टोटल बैंक में से भी माइनस करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनी इन अकाउंट माइनस इक्वल्स एम, और साथ में मैं लिखता हूँ मनी इन बैंक माइनस इक्वल्स एम। तो ये मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बना दिया है। तो अब मैं यहाँ पे एक गेटर मेथड बना लेता हूँ जो कि हमारे पास जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो हमें बताएगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ पब्लिक इंट गेट मनी इन अकाउंट, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ मनी इन अकाउंट। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ जो कि मनी इन बैंक हमें रिटर्न करेगा। तो ये चूंकि स्टैटिक है इसलिए मुझे फंक्शन भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक इंट गेट मनी इन बैंक, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ मनी इन बैंक। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक अपनी क्लास बनाई है जिसमें हम उसके ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट यानी कि मनी इन अकाउंट में कुछ ऐड करवा सकते हैं, कुछ उसमें से निकाल सकते हैं, और उसका इफ़ेक्ट इस स्टैटिक वाले पे भी होगा। तो इसको मैं यहाँ पे अब अपनी मेन क्लास में इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ कि इस वक्त हमारे पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी क्लास का नाम लिखता हूँ और जो हमारा स्टैटिक फंक्शन था गेट मनी इन बैंक उसको कॉल करवा लेता हूँ। इसको रन करके देख लेता हूँ, अभी इनिशियली तो ज़ीरो ही होने चाहिए, तो ये ज़ीरो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब मैं इसका जो है वो एक इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक अकाउंट ए इज इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना, ये मेरे पास बैंक अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया हुआ है ए। अब इस अकाउंट में मैं ऐड करवा देता हूँ। मैं लिखता हूँ ए डॉट ऐड मनी, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500। अब मैंने इस बैंक में एक अकाउंट बनाया ए और उसमें मैंने 500 ऐड करवा दिए। अब मैं ऐसा करता हूँ एक और अकाउंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ बैंक अकाउंट बी इज इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट। ठीक हो गया, मैंने एक और बैंक अकाउंट बना लिया और इसमें मैं जो है वो ऐड करवा देता हूँ 1000। और साथ में मैं ये करता हूँ जो हमारे पास ए है जो हमने पहले अकाउंट बनाया था उसमें से कुछ विदड्रॉ भी करवा लेता हूँ। इसमें से मैं विदड्रॉ करवा लेता हूँ 100। अब जो मैंने ये सारा काम किया है इसके बाद मैं इस अकाउंट के पैसे ए वाले के, इस अकाउंट के पैसे और टोटल बैंक के पैसे जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेता हूँ। तो एक मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी और इधर मैं लिख देता हूँ ए डॉट गेट मनी इन अकाउंट। एक और मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी डॉट गेट मनी इन अकाउंट। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसमें जो हमारे पास बैंक अकाउंट है उसमें जो हमारे पास गेट मनी इन बैंक वाला फंक्शन था वो कॉल करवा लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले 500 ऐड हुए इस ए वाले में और 100 निकलवा लिए, तो इसमें जो है हमारे पास 400 बचे होने चाहिए। इसमें बी वाले में सिर्फ हमने 1000 ही ऐड करवाया, निकलवाया कुछ नहीं, तो इसमें जो है वो हमारे पास 1000 होने चाहिए। और अगर हम अब टोटल बैंक को देखें, पहले हमने 500 ऐड करवाए तो 500 हो गए बैंक में, फिर 1000 और करवा लिए तो 1500 हो गए, उसके बाद हमने 100 निकलवा लिए तो 1400 बाकी बच गए। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए 1400। अब मैं इसको यहाँ पे रन करवा के देख लेता हूँ कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो आउटपुट आ रही है कि नहीं। तो ये जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही आउटपुट आ रही है 400,000 और 1400।
ये ज़ीरो पहले वाला इसकी वजह से डिस्प्ले हो रहा है, ये जो पहली लाइन थी। तो ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि स्टैटिक को हमने कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे स्टैटिक का ये फ़ायदा था कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम था। हमने एक ऑब्जेक्ट में भी ऐड करवाया तो जो मनी इन द बैंक था वो भी साथ ही अपडेट हो गया, और वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए उस क्लास के लिए ही हो गया। तो इस तरह ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट था ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए शेयर्ड था, सबका अलहदा अलहदा नहीं था, जबकि ये जो मनी इन अकाउंट है ये तमाम ऑब्जेक्ट्स का अलहदा अलहदा था। इस वीडियो में मैंने आपको इनकैप्सुलेशन के बारे में बताया, जो बेसिकली हम पहले ही पढ़ चुके थे, उसका बस नाम ही बताया कि उसको हम इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने डिटेल में देखी है वो है स्टैटिक, कि हमने स्टैटिक फंक्शन कैसे बनाने हैं और स्टैटिक एट्रीब्यूट्स कैसे बनाने हैं। यहाँ पे जो हमारे पास मेथड होता है इसको हम फंक्शन का नाम भी देते हैं, ये शायद मैंने पहले नहीं बताया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम मज़ीद कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, फिर हम कुछ बड़ी चीज़ें देखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं। अल्लाह।